ग्वालियर में एक पति ने चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फरार हो गया। घटना पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के जलालपुर पहाड़ी गांव की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। बात हो रही थी, उन्होंने बताया था थोड़ा कि झगड़ा सा हो गया है। उसके बाद में आधे घंटे बाद फिर इस बच्ची की दौरानी है बेबी, उसने बताया कि दीदी गाय के नीचे पड़ी है। तो फिर मेरी बहू को बताया था, उस लड़की ने बहू ने मुझे बताया कि दीदी को कुछ हो गया। तो मैंने फ़ोन लगाया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठा रखा। मैंने बलबीर को फ़ोन लगाया, तीन बार कॉल करने पर उठाया नहीं। फिर चौथी बार मैंने लगाया तो उसने बोला कि मैंने मीना को, मैंने कहा मीना कहाँ है, फ़ोन उठाए तो उसने बोला कि मैंने तो मार दिया उसको, तो फ़ोन बंद कर दिया। ये जलालपुर गांव है, पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में पड़ता है। ये शाम को 6 बजे के बाद थाने में सूचना मिला कि एक महिला का हत्या हुआ है। पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गया तो घर के अंदर एक महिला का लाश मिला है। उसके चेहरे पे और सर के पीछे काफ़ी शार्प वेपन के चोट है। ये घर वाले, इनके गांव वाले बता रहे हैं कि इनके हस्बैंड ने इसका हत्या किया है, वो अभी फरार है, उनके लिए टीम रवाना हुआ है। बाकी अभी फॉरेंसिक जांच चल रहा है, जो एविडेंस कलेक्शन हो रहा है। अभी इसका एक्सैक्ट कारण वो उसके पूछताछ से के बाद ही बता पाएंगे। अभी हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े का सूचना गांव वाला दे रहा है और वेपन भी एक शार्प वेपन जैसा लग रहा है, वो भी इनके कस्टडी में लेने के बाद ही क्लियर हो जाए।